Hey everyone, I hope you all are doing great in your life. So welcome back to my channel Flawless HF and welcome back to my another study vlog. So आज दिन की शुरुआत मेरी हुई थी ब्रश करने से. तो पहले मैंने अपना ब्रश किया. ब्रश करने के बाद अपने रूम को क्लीन करा, यानी कि मैंने मॉपिंग करी और रूम को चारों तरफ से क्लीन करा, यानी कोना कोना चमका दिया. फिर उसके बाद एक होता नहीं कि आपका रूम गंदा और आप पढ़ने बैठ जाओ, एक सेटिस्फाई नहीं होता है आपका दिल. फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, मैंने एक पीडीएफ से एडिटोरियल को रीड करा था खुद से. मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी, किसी की क्लास नहीं देखी थी, खुद से रीड किया था. जैसे कि इसमें एक मेंस का एडिटोरियल था और एक प्री का. प्री वाला क्या था, मुझे उसको स्किम करना था एंड मेंस वाले को मुझे अच्छे से रीड करना था. वो यही वाला जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो यही पीडीएफ है. फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने मेरे कॉर्न्स के क्वेश्चन करे थे. तो कॉर्न्स में मैंने एक अलग स्ट्रैटेजी आज फॉलो करी थी. जिस तरह से हमारे 35 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं उसको मैंने फॉलो करा था. तो आज मैंने क्लर्क की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, लाइक जिसमें 15 क्वेश्चन थे हमारे सिंप्लीफिकेशन के, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के एंड देन 10 हमारे अरिथमेटिक के थे और एक DI का दी थी SBI क्लर्क टाइप की. तो उस तरह से मैंने इस पैटर्न को फॉलो करा था और मेरे कितने मार्क्स आए थे ये मैंने देखा था. मैंने एक टाइमर सेट भी किया था, बिल्कुल मॉक की तरह था, पर ये मॉक नहीं था, ये मैं खुद से सॉल्व कर रही थी जस्ट लाइक अ PDF. और मेरे इसमें नंबर आप सोच सकते हैं 35 में आए थे 27.5. मॉक की बात अलग होती, इसमें क्या मैं चिल कर करके कर रही थी, आराम से मेरा टाइम भी ख़त्म हो गया था. फिर उसके बाद मैंने कर रहा था रीजनिंग की लाइव क्लास, जिसमें मैं थोड़ा लेट पहुंची थी और वेट कर रही थी कब मेरा नंबर आएगा, क्योंकि सर ऑलमोस्ट आधा क्वेश्चन बता चुके थे तो उसको करना ना करना तो बेकार था. फिर जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पजल का आया, मैं लग गई जी जान लगा के मैं सॉल्व करने बैठ गई. ये देखो ऐसे नहीं, जंग के मैदान में मैं जंग लड़ने लगी पजल्स की. तो फिर उसके बाद मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई, पजल सॉल्व करी. मैं मोस्टली बहुत पजल सॉल्व करती हूँ और लाइव क्लास में ये होता ही नहीं कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना, जल्दी से जल्दी बनाना है ताकि आप भी डन लिख सको और अपना आंसर लिखो. एक अलग लेवल की खुशी होती है. तो उसी लिए मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और डन लिखा. एक बार डन नहीं, दो दो बार डन लिखा था कि हाँ भाई मेरा हो गया. फिर उसके बाद मैं छत पे गई. छत पे मैंने अपने प्लांट्स को थोड़ा बहुत पानी दिया और ये जो सदाबहार के प्लांट्स हैं खुद से उगते हैं और कितने अच्छे उगते रहते हैं, मतलब मुरझाते हैं नहीं, मज़ा आ जाता है इनको देख के. फिर मैं नीचे आई. नीचे आने के बाद मैंने क्या करा, इंग्लिश करा. इंग्लिश में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, लाइक सबसे पहले मैंने अपने एरर करे थे. एरर में मैं क्या करती हूँ, नंबर वन डाला और जिस पार्ट में एरर है वो लिख दिया. PDF फॉर्म में था इसलिए मैं इसी तरह से करती हूँ. एरर के क्वेश्चन करे थे, वर्ड स्वैप करा था, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं होते जो सिंगल लाइंस के होते हैं वैसे, पैराग्राफ वाले नहीं थे. हाँ, वर्ड स्वैप में करती हूँ, मिस स्पेल्ड भी करे थे. इस तरह से मैंने इंग्लिश को अच्छे से करा, फिर मैच किया. और जो हमने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करे थे, आई होप मैंने उसकी मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि इस तरह से मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस करे थे. वो मैं दिखा रही हूँ कौन सा पजल बना, कौन सा पजल नहीं बना, कौन से पजल जल्दी बन गया, कौन सिंगल पॉसिबिलिटी में बना, ये बस इतना था. फिर मुझे अपने लिए कुछ ड्रेस खरीदनी थी, ज़्यादा नहीं, बस एक ड्रेस खरीदनी थी जिसके लिए मैं मॉल चली जाती हूँ. काफ़ी स्ले करते करते मैं मॉल पहुँचती हूँ, वहाँ से एक कपड़ा खरीदती हूँ. और ये रहा हमारे मॉल का लोकेशन, कितना अच्छा है. वहाँ से वापस आने के बाद मैंने क्या, सुबह जो एडिटोरियल लीड कर रहा था उसकी मैम का एक्सप्लेनेशन देखा कि बिना मैम का एक्सप्लेनेशन के तो मुझे नींद नहीं आती. तो वापस आके मुझे देखना था ही, तो मैंने देख लिया. और कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है मैम के एक्सप्लेनेशन से. एक होता नहीं है कि आपने जो पढ़ा है, मेरे जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे एडिटोरियल के वो सही थे, लेकिन स्टिल मैंने मैम का एक्सप्लेनेशन देखा. फिर वहाँ से आने के बाद मैंने क्या, ये सब करने के बाद मैंने अपना डिनर किया. डिनर में मैंने आलू सोया मेथी की सब्जी खाई. और अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लें. और हाँ गाइस, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, RC ज़रूरी होती. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि RC इंपॉर्टेंट होती है. यस, RC इंपॉर्टेंट होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.